नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए, सुधाकर सिंह ने तो जदयू और आरजेडी के बीच में तल्खियां बढ़ा दी है। जी हां, आरजेडी के विधायक हैं सुधाकर सिंह और जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं। उनकी बयानबाजी ने जदयू और आपको आरजेडी के बीच असहज सी स्थिति पैदा कर दी है। लेकिन इसी बीच एक और खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लालू के सबसे बड़े करीबी यानी कि लालू या लालू यादव के परिवार के सबसे बड़े करीबी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वो भी आपको 26 साल पुराने मामले हैं, अपहरण का मामला है। इस मामले में उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। खुद वो पूर्व सांसद रह चुके हैं और वो आपको मैं बात कर रहा हूं सरफराज आलम की। जी हां, आरजेडी के पूर्व सांसद और कद्दावर नेता तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं ये सरफराज आलम को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अभी वो उनके छोटे भाई वर्तमान यानी महागठबंधन की सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री हैं शाहनवाज आलम। हालांकि दोनों के बीच में काफी दूरियां हैं, लेकिन शाहनवाज आलम के बड़े भाई सरफराज आलम को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। MP MLA कोर्ट ने आपको जेल भेज दिया, तुरंत बेल देने से इनकार कर दिया था। 26 साल पुराने मामले हैं, आपको 26 साल पुराने मामले अपहरण के मामले में ये बेल के लिए गए थे MP MLA कोर्ट में। कोर्ट ने उन्हें बेल देने से रिजेक्ट कर दिया था और साथ ही अररिया के SP को यह निर्देश दिया है कोर्ट ने कि इन पर जितने भी लंबित मामले हैं उसके सारे के सारे फाइल कोर्ट को सुपुर्द कीजिए यानी कि सौंपिए। तो आप समझ सकते हैं कि कोर्ट MP MLA कोर्ट से राहत नहीं मिलने के कारण से इन्हें जेल भेज दिया गया। 26 साल पुराना मामला बताया जा रहा है। 26 साल पुराना मामला क्या है? दरअसल 15 मई 1996 को PWD के इंजीनियर हैं नवीन कुमार सिंह, उन्हीं के अपहरण का इन पर आरोप है। इन पर वारंट भी जारी हुआ था। सरफराज आलम की बात कर रहा हूं मैं, पूर्व सांसद हैं ये तस्लीमुद्दीन के बेटे और वर्तमान में आपको आपदा प्रबंधन मंत्री के आपको शाहनवाज आलम के बड़े भाई हैं ये। वो नवीन कुमार सिंह जो थे आपको ADB चौक स्थित आवास पर सोए हुए थे। ये आरोप है इन पर कि उस दौरान सरफराज आलम अपने चार व्यक्तियों के साथ आते हैं और आकर के उनके आवास से बाइक पर बैठा करके अपहरण कर लेकर चले जाते हैं। ये इसको लेकर के इन पर वारंट भी जारी हुआ था, लेकिन पुलिस इसको तामील नहीं करा पा रही थी। इसको लेकर के पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन अब इसी मामले को लेकर के आपको ये गए थे तुरंत बेल के लिए MP MLA कोर्ट अररिया में और वहां पर बेल जमानत याचिका यानी कि इनको रिजेक्ट कर दिया गया और हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आरजेडी के कद्दावर नेता 26 साल पुराने मामले में जेल भेज दिए गए। इधर सुधाकर सिंह आपको लगातार बयान देकर के आरजेडी और जेडीयू के बीच में तल्खियां बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जबकि टॉप लेवल के नेताओं के आरजेडी के टॉप लेवल नेताओं का बयान किसी प्रकार का नहीं आ रहा। हालांकि तेजस्वी ने बातें जरूर कही है कि आरजेडी सुप्रीमो को सारी बातों से वाकिफ कराया जा रहा है, यानी कि सुधाकर सिंह के बातों को बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इधर सरफराज आलम पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है, इधर सुधाकर सिंह लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अब ये राजनीतिक बातें कहां जाकर के थमती है? बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।